शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे ऑटो चालक ने 3 दिन पहले आत्महत्या का प्रयास किया था, जिस पर मेडिकल अस्पताल में उपचार शुरू है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता जा रहा है, इसका परिचय कोरोना वायरस के आगमन के साथ पूरे विश्व की जनता को हो गया है। कोरोना काल में जो जहाँ है वहीं ठहरना उसकी मजबूरी बन गई है। कोरोना की वजह से लोगों की आजीविका के साधनों पर बड़ी मार पड़ी है। वहीं अब महंगाई की मार गरीब से लेकर मध्यम वर्गियों पर पड़ना शुरू हो गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित, जिसके चलते कोरोना काल में आर्थिक परिस्थिति और भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शहर के कुछ ऐसे ऑटो चालकों की जिनके ऑटो पूरी तरह से बंद है। यदि वे चलाना भी चाहे तो उन्हें एक सवारी के ऊपर में ऑटो में बिठाने की। हुडकेश्वर के एक नौजवान ऑटो चालक ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। जहर खाते ही उस ऑटो चालक की हालत बद से बदतर होने लगी, जिसके बाद जहर खाते ही युवा ऑटो चालक को जहर खाने वाले उस ऑटो चालक को मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। चालक की हालत काफी गंभीर है। मौत कब उसको अपने आगोश में ले ये कोई बता नहीं सकता। अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रहा है इस ऑटो चालक ने आखिरकार क्यों ये कदम उठाया, इस बारे में तमाम ऑटो वालों ने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कोरोना वायरस का संक्रमण इस कदर बढ़ रहा है कि जिसके चलते शहर में लॉकडाउन जारी किया गया था। लॉकडाउन जारी करने के बाद में उस पर शिथिलता भी दी गई थी, लेकिन अब ऐसे देखने में आया है कि जो सड़कों पे जो ऑटो वाले जो चलते हैं उन ऑटो को पूरी तरह से बंद किया गया है। इस बात को लेकर कुछ ऑटो वालों ने आत्महत्या की कोशिश भी की है। ऐसी एक घटना मेडिकल अस्पताल में एक ऐसी केस आई हुई है जहां पे एक ऑटो चालक ने पॉइजन खा लिया है। आखिरकार ये क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। इन तमाम ऑटो वाले यहाँ पे मौजूद है। सर आप बताइए कि क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार की वो घटना हुई थी? कैसा है, ऑटो चालक थे और पिछले चार महीने से कोविड-19 के वजह से पूरे तरीके से ऑटो बंद है और सरकार इसके प्रति कुछ भी कदम नहीं उठा रही है। अगर कोई कदम अगर उठाती तो कम से कम ये जो ऑटो चालक ने आज जहर प्राशन किया है उसको ऐसी नौबत नहीं आती थी। हमारा एक ही कहना है कि सरकार जैसा दुकान को खोलने के लिए एक एक दिन उनको दे रही है, एक दिन के बाद में दूसरी दुकान, तो वैसा प्रकार अगर सरकार ऑटो चालकों के लिए अगर कुछ करती है, क्योंकि ऑटो पूर्णतः बंद है, 4 महीने हो गए। आदमी 1 महीना कुछ भी कर लेगा, किसी भी प्रकार से अपना घर चला लेगा, लेकिन आने वाले जो 4 महीने हो गए और अभी फिर से आगे और कितने दिन ये बंद रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार को बार बार बोलने के बाद में भी सरकार किसी प्रकार से ऑटो चालकों के लिए कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आज एक ऑटो चालक ने जहर प्राशन किया, मैं शायद समझ सकता, मैं खुद भूखा रहूंगा लेकिन मेरे बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकता। मैं बार बार हम लोग बार बार सरकार से विनती कर रहे हैं, पिछले बार भी हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिए लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक कोई दखल नहीं ली गई है। उसी वजह से ऑटो चालकों पर आत्महत्या करने की ऐसी नौबत आ रही है। मैं पिछले बार ऑटो ले जो हमारे रविंद्र ठाकरे जी हैं नागपुर के कलेक्टर, उनके पास में हम लोग गए थे, जाकर उनको एक निवेदन दिए, आम आदमी पार्टी ने हमने एक निवेदन दिए। वो निवेदन देने के बाद में अभी तक उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर सरकार समय रहते, अगर इस बात की दखल लेती तो आज इस ऑटो वाले ने जहर प्राशन करने की इसके ऊपर नौबत नहीं आती। और इस प्रकार की नौबत नहीं आती ऐसा इनका मानना है। अब आप ये बताएं कि सरकार से आपकी या मनपा प्रशासन से प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग यही है कि आज 4 महीने से ऑटो चालक खाली है, उसके भूख भरे की नौबत आई है। कम से कम ऑटो वाले को 2 सवारी का परमिशन दे के उसको चलाने की ये दे अनुमति दे। लेकिन आज 2 दिन पहले पुलिस वालों ने ऑटो के चालन करना चालू कर दिए, उसका शक इस उमेश चिकाटे को पड़ा और उसने कल पॉइजन खा लिया, आत्महत्या करने की कोशिश किया। आज मेडिकल में वार्ड नंबर 24 में सीरियस पोजीशन में है। हुडकेश्वर नाका। तो इस प्रकार से ऑटो वाले के ऊपर में गहरा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे, जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे और ऑटो वालों के कामकाज फिर से एक बार शुरू हो, ऐसे ऑटो वाले चाहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि कोरोना इस महामारी ने लोगों की जान लेना शुरू कर दी है। अब तक के कई मौत इस शहर में हो चुकी है, जिसके चलते कोरोना वायरस ने अब हर किसी का, खासकर इन ऑटो वालों के परिवारों का जीवन तहस नहस कर दिया है। ईश्वर प्रशासन ध्यान दे, इन लोगों को भी न्याय दे, क्योंकि कोरोना के चलते, इसकी रोकथाम के चलते हर कोई पूरी तरह से कामकाज कर रहा है,
मगर पेट की आग को भी बुझाना उतना ही जरूरी है। इसके लिए सरकार कुछ क्या कदम बढ़ाती है, अब ये देखने वाली बात होगी। नागपुर के मेडिकल कॉलेज से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।